लेकिन दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, आज हमारा ट्रिप हो रहा है जी। हम लोग जा रहे हैं नथिया गली और वहाँ पर हम आज स्टे करेंगे। दो नाइट स्टे है हमारा और फिलहाल जो है वो तैयारी कर रहे हैं हम लोग जाने की। और मैं आया हुआ हूँ इस वक्त कार वॉश पे, कार वॉश करवाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स को अपने पिक करना है और आपको, आप सबको जो है फ्रेंड्स से भी अपने मिलवाते हैं और आगे का भी जो है वो ट्रिप का दिखाते हैं कि किस तरह हम गए जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। यह है जी हमारा स्टे यहाँ पर घोड़ा गली फॉरेस्ट सर्विस एकेडमी के अंदर और ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। बहुत खूबसूरत नेचुरल एटमॉस्फेयर सारा। सिटी के अंदर टेम्परेचर आज 34 था और यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ इस वक्त इवनिंग में 6:30 हो रहे और टेम्परेचर है 16 डिग्री। और यहाँ कह रहे हैं कि रात को जो है ये तकरीबन 7 to 8 डिग्री तक जाता है। जी अब जी मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ इस वक्त। रात शुरू हो गई, शाम हो गई है और अकेला हूँ इस वक्त जी हाइकिंग पे। और ये दो फ्रेंड आ गए पता नहीं कहाँ से निकल के जंगलों में से। ये भी आपको दिखा दूँ, ये देखें ये बाद साहब हैं और ये आपको ना भाई ये शेब भाई हैं, ये शहाब भाई हैं और ये भी हमारे साथ हैं। और इस वक्त हम जो है जा रहे हैं जी आपके सामने, ये देखें बेहतरीन खूबसूरत जगह इसको एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह जी ये देखें। इस वक्त शाम हो चुकी है और नेचुरल फॉरेस्ट है ये मरी। और ये देखें ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत नेचुरल। हाँ मैं आपको दिखाऊं पीछे यहां से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। ये यहाँ पर तकरीबन 300 मीटर्स के बाद जो है वो रेस्ट हाउसेस बने हुए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हैं।
ये हम यहाँ पर आए हैं फॉरेस्ट एरिया ही सारा, और इसके अंदर हमें जो है गेस्ट हाउस मिला है ये, सही भूतिया बंगले जैसे होते हैं ना, रियल फॉरेस्ट जैसे, रियल फॉरेस्ट है ये जिसके अंदर हमें ये जगह मिली है। और ये हमारे प्यारे चौधरी साहब बैठे हुए चकवाल की आन बान शान, और ये देखें ये आपके सामने ये शहाब साहब एंजॉय करते हुए वेदर को, बेहतरीन बहुत खूबसूरत। ये देखें ये क्या बात है, ये देखें ये आपको मैं मून दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल। इस वक्त जो है सुबह हो चुकी है, 6:30 हो रहे हैं सुबह के, और हम लोग उठ गए यहाँ पे, और इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत वेदर है, ठंडा मौसम है, और मैं भी जा रहा हूँ हाइकिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी एंजॉय कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये देखें ये इस वक्त जो है मॉर्निंग व्यू है, यहाँ फॉरेस्ट में हम लोग रुके हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त, बहुत प्यारा मौसम है जी। ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों का, सबका ठीक होंगे उम्मीद है मुझे। और आज हम दोनों जा रहे हैं, बल्कि और भी दोस्त हैं हमारे साथ, वो भी जा रहे हैं हाइकिंग पे, ये घोड़ा गली की जो घोड़ा गली कौन सा है यहाँ पर, मुश्कपुरी टॉप उधर जा रहे हैं जी। अभी हम बस स्टार्ट करने लगे हैं, रात को हम यहाँ पर रुके थे घोड़ा गली, ये रेस्ट हाउस है फर्स्ट ऑफिस की तरफ से हमें जो है ये रेस्ट हाउस अलॉट किया था, तो यहाँ पर हमने नाइट स्पेंड की है, और अब हम जो हैं जाने लगे हैं, बस निकलने लगे हैं जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाते हैं आगे कि कैसा रहा है हमारा, किस तरह हमने जर्नी स्टार्ट की है, तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने सुबह के सनराइज़ को जो है बहुत बड़ा इंजॉय किया, अब जो है प्लान किए निकलने का मुश्किली टॉप पर, जो कि बेसिकली हम जो करने आए हैं काम, और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जगह भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए आपको मैं व्यू कराऊं, ये बेहतरीन किस्म का फॉरेस्ट है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ गेस्ट हाउस बने हुए, और ये है जी घोड़ा गली में मरी, ये देखें मैं आपको दिखा खूबसूरत ऐसा लगता है हम मरी में आ गए। हाँ यार ये वाकई वक्त सही कह रहे हैं आप, बहुत समझदारी वाली बात ये आ जाने से बात। Thank you.
ये जी पिशपुरी ट्रैक पे जो है ये फीस पे करनी पड़ती है, सब हॉर्स राइडर फॉरनर डल चिल्ड्रन सबकी डिफरेंट डिफरेंट फीस है। ये देखें ये तकरीबन 3 घंटे का कैब बताया उन्होंने जी, ट्रैक है किलोमीटर कितने जी, 5 किलोमीटर है, 5.3 किलोमीटर जी। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक, दो ट्रैक है, एक 5 किलोमीटर का एक 2.5 का, और ये स्टार्ट करने लगे हम लोग ट्रैकिंग। चले जी जी, ये जी हम ये भी यहाँ तक पहुँचने तकरीबन करीब करीब पहुँच गए। ऑलमोस्ट हम लोगों को 2 घंटे और 20 मिनट लग चुके हैं, बस ये थोड़ा सा रास्ता और रहेगी ये कवर करना है। वो सामने फ्लैग लगा हुआ है मशपुरी पीक का, वहाँ तक पहुँचना है। ये देखें ये सारे हमारे साथ आए भाई अपने अपने ट्रैक करने के लिए लोग। ये जी फाइनली पुष्पुरी टॉप पहुंच गया हूँ मैं, और इधर एक बनी हुई है पकौड़े वाले की शॉप है, साथ में कॉफ़ी चाय वाला बैठा हुआ है, साथ में स्टॉल लगा के अपने व्यू देखें, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत बेहतरीन, ब्यूटीफुल क्लाउड्स देखें, बहुत प्यारा वेदर है। और कहते हैं यहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो बहुत ही खूबसूरत एक मंज़र होता है, लेकिन लश ग्रीन हुआ है इस वक्त, ये भी मंज़र जो है अपने आप में जन्नत वाला ही है। ये देखें क्लाउड्स कितने डेंस क्लाउड्स हैं,
खूबसूरत अयोध्या नेशनल पार्क, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। फिर यहाँ पर ये वाले पेट्स वाइल्ड जो है वो सॉरी यहाँ पर ये वाले जो है वाइल्ड लाइफ है जी। तो हम लोग वापसी के ट्रैक पे चढ़ पड़े और बहुत ज़्यादा स्लिपरी ट्रैक है, ख़तरनाक ट्रैक है। 9000 प्लस गए फीट्स, अब वापस भी आनी है। शदीद थके हैं और उसके इस वक्त बुरा हाल हो चुके हैं और अभी 2 किलोमीटर जो है वो वापस आए हैं, अभी मज़ीद 3 किलोमीटर जो है वापस जाना है। Hello, Nick.